इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओरियाना पावर लिमिटेड आईपीओ के बारे में और इसके डिटेल्स के बारे में, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, सब्सक्रिप्शन कितना हो चुका है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो 2013 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी करती क्या है, तो सोलर एनर्जी प्रोवाइड करती है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये इंडस्ट्रियल्स को भी और कमर्शियल्स को भी, कस्टमर्स को भी ये अपना ऑफर सर्विस करती है। इनका जो विजन है कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करना है, जिसके लिए हमारा जो फ्यूचर हो पाए वो बेटर फ्यूचर हो पाए। तो अच्छे सेगमेंट में है, एक ऐसा सेगमेंट है जो रिन्यूएबल एनर्जी है, एक ग्रोइंग सेगमेंट है, एक सनराइजिंग इंडस्ट्री है। तो बहुत ही अच्छे सेगमेंट में कंपनी है। कंपनी के जो डिटेल्स हम देख लेते हैं, तो आईपीओ का डेट है 1 अगस्त 2023 से लेके 3 अगस्त 2023 तक है। यानी ये इसका जो डेट है, आखिरी डेट होने वाला है 3 अगस्त, यानी कल ये आखिरी डेट होने वाला है इसमें अप्लाई करने के लिए। फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपए पर शेयर का। प्राइस रखा गया है 115 से 118 रुपए पर शेयर का। लॉट साइज है 1200 शेयर्स का। तो ये लॉट साइज 1200 शेयर्स का इसलिए है क्योंकि ये एसएमई कैटेगरी का शेयर है, यानी कि ये मेन बोर्ड का शेयर नहीं है, मेन बोर्ड का आईपीओ नहीं होने वाला है। ये एसएमई कैटेगरी का है जिसमें लॉट साइज जो होता है 1000, 800, 600, 1200 इसी के लॉट में आता है। यानी आपको इसी लॉट में आपको अप्लाई करना पड़ेगा और ये एनएससी पे लिस्ट होने वाला है, एनएससी एसएमई सेगमेंट पे ये लिस्ट होने वाला है और इसी लॉट में ये आपको ट्रेड होता हुआ दिखेगा। यानी अगर आपको मिलता है तो 1200 के लॉट में ही आप बेच पाएंगे या खरीद पाएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है, एसएमई जो कंपनियां होती है बहुत ही छोटी कंपनियां होती है, आप कह सकते हैं कि माइक्रो का कंपनी होती है। तो इनके इनके ये थोड़ा बहुत रिस्की होता है क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि इसमें जो लिक्विडिटी का इश्यू आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लिक्विडिटी का इशू आ सकता है, बहुत जल्दी अपर सर्किट लगता है, बहुत जल्दी लोअर सर्किट भी लगता है। तो जो लोग नए हैं एसएमई आईपीओ में, उनके लिए मैंने ये बता दिया। और मैं भी पहली बार एसएमई कैटेगरी के किसी भी आईपीओ पे वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत बता देना वो जरूरी होता है। तो जो इशू साइज होने वाला है 59 करोड़, लगभग 60 करोड़ का जो इशू होने वाला है, तो बहुत ही छोटा आईपीओ है एसएमई कैटेगरी का आईपीओ। तो ऐसे जो आईपीओ होते हैं वो बहुत ही छोटा होता है। सारा का जो सारा इशू है, जो 59 करोड़ का जो इशू है, 60 करोड़ का आसपास का इशू है, ये फ्रेश इशू होने वाला है। यानी कि जितने भी पैसे कंपनी रेज कर रही है, सारा पैसा कंपनी के पास जाने वाला है। लिस्टिंग होगा एनएससी एसएमई पे होने वाला है ये लिस्टिंग। वही अगर टेंटेटिव टाइम टेबल की बात कर लेते हैं, तो आईपीओ जो खुलने वाला है, खुल चुका है, 1 अगस्त को ये आईपीओ खुल चुका है। 3 अगस्त को ये आईपीओ आखिरी डेट होने वाला है अप्लाई करने के लिए। अलॉटमेंट आपको 8 अगस्त को हो जाएगा। रिफंड अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 9 अगस्त को आपको रिफंड पैसे हो जाएंगे। 10 अगस्त को क्रेडिट हो जाएगा आपके डीमैट अकाउंट में अगर आपको अलॉटमेंट होता है। तो लिस्टिंग है 11 अगस्त को, अगर आपको मिलते हैं तो 11 अगस्त को लिस्ट होने वाला है। ये आखिरी डेट होने वाला है। कट ऑफ टाइम जो होगा यूपीआई मैंडेट का 5 बजे होगा, यानी 5 PM 3 अगस्त को। यानी 3 अगस्त को आपको 5 बजे से पहले यूपीआई में जो मैंडेट होता है उसको कंफर्मेशन आपको कर देना है। वहीं अगर लॉट साइज की बात करें, तो रिटेल में आपको मिनिमम 1 लॉट के लिए, यानी 1200 शेयर्स के लिए आपको 141,000 का अमाउंट चाहिए, जिसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। अगर आपके पास 141,000 है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और रिटेल में आप मैक्सिमम भी 1 लॉट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, इतना ही। अगर आप क्लाइंट है तो मिनिमम आप 2 लॉट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, जिसका 2400 का शेयर्स है और 283,000 का आपको अमाउंट चाहिए। वहीं अगर हम रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, तो ये एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 28% का रिजर्वेशन कोटा था, मार्केट मेकर्स के लिए 5% का रिजर्वेशन कोटा था, क्यूआईबी के लिए लगभग 19% का है, एचएनआई के लिए है लगभग 14.5% का है, रिटेल कोटा के लिए लगभग 33.23% का है। वहीं अगर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें, तो ये आईपीओ से पहले 83% का होल्डिंग था कंपनी के प्रमोटर्स के पास, लेकिन अब वो घट के 61.41% का जो होल्डिंग रह जाएगा कंपनी के पास। फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं, तो कंपनी का फाइनेंशियल का जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है 31 मार्च 2021 से 31 मार्च 2023 तक है। टोटल एसेट्स लगातार इंक्रीज हुए हैं, यहाँ पे टोटल एसेट्स आप देख सकते हैं 2964 लाख से 7799 लाख हो गए हैं, ये टोटल एसेट्स में इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करें, तो 3376 लाख से अभी 13395 लाख का जो रेवेन्यू हो गया है, तो रेवेन्यू भी बहुत ही अच्छा से ग्रो हुआ है। प्रॉफिट की बात करें, तो 282 लाख से 1268 लाख का जो प्रॉफिट है वो हो गया है। तो हर सेगमेंट में आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। बोरोइंग्स की बात करें, तो 75 लाख से 1489 लाख हो गया, तो बोरोइंग थोड़े बहुत बढ़े हैं। वहीं रिजर्व्स की बात करें, तो रिजर्व्स भी अच्छा खासा बढ़ा है, 464 लाख से 2950 लाख का जो रिजर्व और सरप्लस है वो रह गया है। तो कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रांग दिख रहा है, कंपनी एक ऐसे सेगमेंट में है जो ग्रोइंग सेगमेंट है, ग्रोइंग सेक्टर है।
वही अगर हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात कर लेते हैं तो पी रे जो रेशियो है वो 20 का पी रेशियो है। मार्केट कैप है 226 करोड़ का, यानी कि बहुत ही छोटा कंपनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एसएमई कैटेगरी का ये कंपनी है। आरओई बहुत ही ज्यादा कम है, ये कंसर्न का बात है कि 1.97 का आरओई है, बहुत ज्यादा कम है। आरओसी अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 46% का, तो ये बढ़िया है। लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो भी वन से नीचे है, यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो भी अच्छा है, यानी कि कंपनी ने ज्यादा डेट नहीं ले रखा है। ईपीएस 17 का है और आरओएनडब्ल्यू 34% का, तो ये भी बढ़िया है। सिर्फ यहाँ पे आपको आरओई यहाँ पे कम दिख रहा है, बाकी जो सारे जो इंडिकेटर्स है वो सही है। कंपनी का जो अगर वैल्यूएशन की बात करें तो एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे ये भी कंपनी आ रहा है। बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, बहुत ज्यादा सस्ता भी नहीं है। एक ऐसा वैल्यूएशन पे आ रहा है कि थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन हो सकता है आपको। वहीं अगर हम अब कंपनी के जो सब्सक्रिप्शन डिटेल देख लेते हैं, आज दूसरा दिन है और इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखते हैं तो टोटल में 40 गुना यानी 40 गुना का सब्सक्रिप्शन हो चुका है। वही रिटेल कोटा में लगभग 68 गुना का सब्सक्रिप्शन हो चुका है। एचएनआई क्लाइंट में लगभग 24 गुना का सब्सक्रिप्शन हो चुका है और क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में लगभग 4 गुना का ये जो सब्सक्रिप्शन है वो हो गया है। तो बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिल रहा है और कल आखिरी डेट होने वाला है, तो यहाँ से जो सब्सक्रिप्शन है वो और बढ़ने वाला है। अब बात कर लेते हैं जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, आज का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम वो क्या चल रहा है। तो कंपनी का जो प्राइस बैंड है 115 रुपया से 118 रुपया का, उस हिसाब से अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो 100 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो बहुत ही अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। लगभग परसेंटेज में ये 85% का आपको परसेंटेज का आपको गेन दिखा रहा है। अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, अगेन किसी तरीके का ये कंफर्मेशन नहीं होता है कि इतना परसेंटेज का आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये एक छोटा मोटा अंदाजा लगता है कि क्या हाइप है आईपीओ को लेके, तो लिस्टिंग पे पैसे बन सकते हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो बना भी रहा हूँ क्योंकि ये जो कंपनी है मुझे बहुत ही प्रोमिसिंग लगा है, अच्छे सेगमेंट में, अच्छे सेक्टर में है। और कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 90 रुपया से बढ़ के अब 100 रुपया के आसपास का चल रहा है, जो आज दूसरा दिन है ये इसका सब्सक्रिप्शन का। तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ, रिटेल कोटा में अप्लाई करने वाला हूँ, एक लॉट में अप्लाई करने वाला हूँ। पहली बार ये मैं एसएमई सेगमेंट में अप्लाई करने वाला हूँ क्योंकि ये कंपनी मुझे बहुत ज्यादा प्रोमिसिंग लग रहा है। अगेन किसी तरीके का आपको रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने सब कुछ बता दिया, आपको अपना डिसीजन खुद से लेना है। हो सके तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके जो रिस्क है वो भी बता देना जरूरी है। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है, रिस्क हमेशा होता है क्योंकि छोटा कंपनी है, छोटा माइक्रो का कंपनी है, लिस्टिंग होगा। अगर आपको गेन मिलता है तो बहुत बार देखा गया है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर नहीं मिलते हैं आपको, यानी लिक्विडिटी नहीं होता है, या बहुत जल्दी इसमें अपर सर्किट लोअर सर्किट भी लगता है। तो ये सब आप देख के इस आईपीओ में अप्लाई करना, लेकिन मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ऐसे ढेर सारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, इस तरह धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।